काफी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, तेरे नाश्ते के लिए कचौरी बना कर रखी है। ले, हो गया। तुझ पर बहुत सुंदर लगेगा ये रंग। तुम कितनी अच्छी हो माँ। कितनी धूल है यहाँ। होगी ही ना चुटकी, सालों हो गए अटारी की सफाई करके। रुको माँ, मैं मदद करती हूँ। वाह, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। इस पे तो लिखा है बावर्ची नंबर वन। काफी पुरानी लगती है, देखो ना माँ। ओफो, क्यों कबाड़ को निकाल कर बिखेर रही हो चुटकी। चलो इसे रख दो, बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। मेरी माँ घर संभालती है, लड्डू का कारोबार संभालती है और मेरी इतनी देखभाल करती है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मदर्स डे पर मैं माँ के लिए कुछ बहुत बहुत खास करूँ, उन्हें थैंक यू कहूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है, जंगल से सुंदर ताजे फूलों का गुलदस्ता चुन लाते हैं। तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना चुटकी। मैं सोच रही थी इस सब से कुछ अलग किया जाए, पर क्या किया जाए यही नहीं सोच पा रही। तो क्यों ना उन्हें तोहफे में एक दिन की छुट्टी दी जाए। छुट्टी? जैसे दिवाली की छुट्टी? नहीं नहीं, वैसी छुट्टी नहीं। देखो चुटकी ने कहा ना, टुनटुन मौसी बहुत काम करती हैं। जब जब हम सब छुट्टी मनाते हैं, टुनटुन मौसी तो तब भी काम करती है। हाँ। तो उन्हें छुट्टी गिफ्ट करने का मतलब एक दिन उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, बस उन्हें आराम से बिठाकर उनकी सेवा की जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों मेरे पीछे आओ। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? मैं हूँ डाकू अमंगल सिंह। चुपचाप हमारे साथ चलो वरना। पकड़ लो इसको। क्या कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात। अरे ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है। हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए,
तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हरे बीमारी को बढ़ाता है दूध। अरे ये सब क्या हो रहा है? हैप्पी मदर्स डे माँ। मेरे लिए कितने सुंदर है। और ये भी है रेशम। बस बस बच्चों, आज तुमने मेरी बड़ी सेवा की, पर लड्डू बेचने बाजार तो मुझे खुद ही जाना होगा। लड्डू बेचना इतना आसान भी नहीं होता। चिंता बिल्कुल मत करो मौसी, तुम्हारे लड्डू है ही इतने मस्त कि अपने आप ही बिक जाएंगे। आइए आइए लड्डू खाइए, दुनिया भर में मशहूर मौसी के लड्डू खाइए। टुनटुन मौसी के लड्डू हैं सब जान। टुनटुन मौसी के लड्डू ढोलकपुर की शान। टुनटुन मौसी के लड्डू मेरी शक्ति का राज। टुनटुन मौसी के लड्डू आज का दिन कितना अच्छा है, मेरा सबसे बढ़िया दिन। मैं भी तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या? ये सब लड्डू। टुन टुन मौसी हिप हिप हुर्रे। टुन टुन मौसी हिप हिप हुर्रे। टुन टुन मौसी हिप हिप हुर्रे। बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम, ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। चुटकी 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 चुटकी